पार्टी में सांप लाने और सांपों के जहर से नशा कराने के आरोप में विवादित यूट्यूबर एल्विश यादव को 17 मार्च को यूपी की नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एल्विश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले एल्विश यादव ने 17 मार्च की रात सलाखों के पीछे गुजारी है। एल्विश यादव को लेकर अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आ रही है कि एल्विश ने पुलिस के सामने उन तमाम आरोपों को कबूल कर लिया है जिसमें वो सांपों के जहर का कारोबार कर रहा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में एल्विश ने इस बात को कबूल किया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। बीते साल 3 नवंबर को इन्हीं आरोपों के साथ एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अब एल्विश ने कबूला है कि वो नवंबर में गिरफ्तार आरोपी राहुल समेत दूसरे आरोपियों से भी अलग अलग रेप पार्टियों में मिल चुका था। एल्विश की उनसे जान पहचान थी और वो उनके संपर्क में था। नोएडा पुलिस ने एल्विश को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइट्रोपिक एक्ट यानी NDPS के तहत गिरफ्तार किया है। ये एक्ट ड्रग से जुड़ी साजिश जैसे ड्रग की खरीद फरोख्त से संबंधित है। इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आसानी से जमानत नहीं मिलती है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के दौरान एल्विश को लुक्सर जेल में रखा जाएगा। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता के खिलाफ IPC की धारा 284, 289, 120B और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपियों से बरामद स्नेक वेनम को जांच के लिए भेज दिया गया था। वहां से मिली रिपोर्ट के बाद NDPS एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। अब बीते साल 3 नवंबर को इन्हीं आरोपों के साथ एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। एल्विश ने अपनी सफाई का वीडियो भी जारी किया था, लेकिन वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ था। पुलिस ने तब 5 आरोपियों को अरेस्ट किया था। उनके पास से 9 जहरीले सांप रेस्क्यू किए गए थे, जहर भी बरामद किया गया था। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।